दुनिया में कोरोना वायरस का असर लंबे समय तक रहने वाला है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आपात परिस्थिति संबंधी प्रमुख डॉक्टर माइकल रयान ने भी कह दिया है कि हो सकता है कि ये वायरस कभी ना जाए। इन सब परिस्थितियों के मद्देनजर मोदी सरकार लॉकडाउन 4.0 के बाद अपने 75 मंत्रालयों और विभागों को वर्क फ्रॉम होम की परंपरा में ढालने जा रही है। शुरुआत में डिप्टी सेक्रेटरी और उससे ऊपर के ई ऑफिस योजना में शामिल होंगे। बाद में एचओडी अपने सेक्शन ऑफिसरों को भी इसका हिस्सा बना सकते हैं। क्लासिफाइड फाइलें ई ऑफिस से नहीं भेजी जाएंगी। नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर यानी NIC को ई ऑफिस वर्किंग की नोडल एजेंसी बनाया गया है। DOPT ने इस बाबत सभी मंत्रालयों और विभागों से 21 मई तक सुझाव मांगे हैं। अगर कोई मंत्रालय या विभाग इस तारीख तक कोई सुझाव नहीं देता है तो ई ऑफिस के लिए उसकी स्वीकृति मानी जाएगी। DOPT के भेजे गए ड्राफ्ट में कहा गया है कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए वर्क फ्रॉम होम की अवधारणा अब जरूरी हो गई है। लॉकडाउन 1.0 से लेकर अभी तक विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों ने अपना 80% काम वर्क फ्रॉम होम के जरिए निपटाया है। अब इसे आगे भी जारी रखा जाएगा। NIC ने ई ऑफिस और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जैसा मजबूत प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने में अहम भूमिका निभाई है। लॉकडाउन 4.0 के बाद भी ये व्यवस्था जारी रहे, इसके लिए अब जो ड्राफ्ट तैयार हो रहा है उसमें सुरक्षा का सबसे ज्यादा ध्यान रखा जाएगा। NIC गृह मंत्रालय के साथ मिलकर सिक्योरिटी गाइडलाइन तैयार करेगा। लैपटॉप रोटेशन के आधार पर मुहैया कराए जाएंगे। IT के दूसरे लॉजिस्टिक की जिम्मेदारी भी NIC को सौंपी गई है। डेटा कार्ड के लिए रिम्बर्समेंट का प्रावधान किया जाएगा। ई ऑफिस के दौरान सेंट्रल रजिस्ट्री यूनिट यानी CRU और फिजिकल डाक प्रणाली काम करती रहेगी। ई ऑफिस के काम में देरी ना हो इसके लिए SMS और ईमेल पर अलर्ट भेजेंगे। अहम फाइलें ई ऑफिस के नॉलेज मैनेजमेंट सिस्टम में रहेंगी। विभिन्न मंत्रालयों के बीच अहम फाइलों का आदान प्रदान पहले की ही तरह जारी रहेगा। ई ऑफिस VIP और संसद के कामकाज वाली फाइलों को किस तरह से भेजेंगे इस पर भी विचार किया जा रहा है। इसके लिए SMS अलर्ट भेजा जाएगा। कौन सी फाइल किसके पास है, उसकी प्रगति रिपोर्ट क्या है, ये सब जानकारी अलर्ट में रहेगी। NIC बेहतरीन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सर्विस मुहैया कराएगा। सभी मंत्रालय NIC के सेंट्रल हेल्प डेस्क से जुड़े रहेंगे। ई ऑफिस में कोई तकनीकी दिक्कत आने पर मंत्रालय और विभाग इस हेल्प डेस्क से संपर्क कर सकते हैं। ई ऑफिस के लिए उपलब्ध कराए गए लैपटॉप का इस्तेमाल किसी दूसरे कार्य के लिए नहीं होगा। वर्क फ्रॉम होम वाले सभी अधिकारी फोन पर हमेशा उपलब्ध रहेंगे। एक साल में किसी अधिकारी को कितने दिन वर्क फ्रॉम होम करना होगा ये तय किया जा रहा है। शुरुआती तौर पर यह समय 2 हफ्ते का हो सकता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।